नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बिहार इलेवन बहाली की रिगार्डिंग बात करने वाले, विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रही है, आखिर बिहार इलेवन की बहाली कब होगी और कितने पदों पर बिहार इलेवन की बहाली होगी, 2023 में नियमावली में क्या क्या चेंज किया गया, क्या एग्जाम के आधार पर बहाली किया जाएगा या मेरिट के आधार पर, तो क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है और आज के पेपर में बिहार इलेवन के बारे में क्या कुछ आर्टिकल दिया गया है, सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रही है बिहार इलेवन के बारे में और आज के पेपर में क्या दिया हुआ देख लीजिए। दोस्तों बिहार इलेवन बहाली 2023, स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद के सृजन की चल रही है प्रक्रिया, 64 से 21 पदों पर आएगी बहाली, आखिर कब खत्म होगा इंतजार, कब तक आएगा विज्ञापन। तो दोस्तों सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, देख लीजिए यहाँ पे पिछले दिन जो शीतकालीन जो अभी सदन चला था उसमें बिहार इलेवन के बारे में मांग उठा था, आवाज़ उठा था, उसके लिए देख लीजिए हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत सारा हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। देख लीजिए इलेवन की बहाली, ध्यान समझ लीजिए, यहाँ पे श्री अखतरुल ईमान क्षेत्र संख्या 56 अमोर, स्थानीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 8 अक्टूबर 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक इलेवन की भारी कमी के आलोक में क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि, पहला सवाल देखिए, क्या यह बात सही है कि राज्य के स्कूलों में लगभग 8000 और विश्वविद्यालय में लगभग 2000 लाइब्रेरियन के पद रिक्त हैं, जिसके कारण छात्र छात्राओं को लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान करने में कठिनाई होती है। सेकंड प्रश्न देख लिए, क्या यह बात सही है कि राज्य में पिछले एक दशक से स्कूलों और विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन की नियुक्ति नहीं की गई है। तीसरा सवाल देख लीजिए, यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या सरकार स्कूलों और विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरियन की बहाली करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों, यह हो गया। उसके बाद देख लीजिए, फिर उसी में इसमें भी दिया गया है, आज के पेपर में भी दिया गया, यहाँ पर देख लीजिए, स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद के सृजन की चल रही है प्रक्रिया, पूरी जानकारी इसमें दिया हुआ देख लीजिए, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद से लाइब्रेरियन की बहाली की मांग जोर शोर से उठने लगी है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान कई संगठनों ने मार्च निकालकर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। 8 नंबर को भी बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन एसोसिएशन ने पटना विश्वविद्यालय कमेटी द्वारा बिहार लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया नियमावली 2023 जारी करने एवं लाइब्रेरियन बहाली प्रक्रिया शुरू करने को मांग की। वहीं शिक्षा विभाग ने पहले ही कहा था कि 6421 नव स्थापित और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद सृजन की कार्रवाई चल रही है। पुस्तकालय अध्यक्षों की आवश्यकता का आकलन करते हुए पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा का आयोजन करने के बाद नियुक्ति होगी। वहीं इस संबंध में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह ने कहा है कि विधानमंडल सत्र के दौरान आंदोलन चलाया गया ताकि सरकार को ध्यान जाए, शिक्षा विभाग नियमावली बनाने के नाम पर लगभग 4 वर्षों से गुमराह कर रहा है, हर बार विधानमंडल के सत्र के दौरान लाइब्रेरियन की बहाली की चर्चा होती है लेकिन नतीजा सिफर रहता है। तो दोस्तों देख लिए, अभी देखिए भारी मात्रा में बिहार में देख रहे हैं शिक्षकों की बहाली हो रही है, एक बहाली खत्म नहीं हुआ और दूसरा बहाली आ गया, 2 महीना के अंदर 1,70,000 की नियुक्ति मिल चुकी है और फिर से 1,20,000 के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, जो कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक भी उसका एग्जाम होगा और फरवरी से मार्च जाते जाते उस सबको भी ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो दोस्तों अब बहुत बड़ी मात्रा में, ध्यान समझिए, बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 10,000 पदों पर बिहार इलेवन की बहाली निकलने जा रही है, जो भी विलीस और एमलिस करके बैठे हुए हैं वे सभी स्टूडेंट को भाग के ताला खुलने वाला है, क्योंकि नीतीश बाबू ने पिछले सत्र में ऐलान किए थे कि जो बिहार इलेवन की बहाली होगी तो बिहार इलेवन की बहाली भी बहुत जल्द होगी, क्योंकि फिर से 22 नंबर को कैबिनेट बैठक हो रही है और कैबिनेट बैठक में उसमें निर्णय लिया जाएगा जो कितने पदों पर बिहार इलेवन की बहाली होगी और बहाली कब होगी, नियमावली क्या क्या रहेगा, तो उस दिन फाइनल मोहर लग जाएगा 22 नवंबर को। तो इतना दिन वेट किए थे, 3 से 4 दिन और वेट कर लीजिए। तो जो भी स्टूडेंट जहाँ से एमलिस और बिलिस किए हुए हैं सभी स्टूडेंट फटाफट अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, क्योंकि 22 नवंबर को फाइनल इस पर आपको मोहर लगेगा, उसके बाद आपको बिहार इलेवन की बहाली देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यह वीडियो में जो अपडेट निकल के आ रही है वही अपडेट हम आपके भी शेयर किया है, आई होप कि आप समझ गए होंगे।
तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। जैसे ही विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा बिहार लेवल के बारे में वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। या वीडियो बनाने की यही रीज़न है कि बहुत सारा स्टूडेंट भूल गया। आगे देख लीजिए, जीविका की लाइब्रेरी में आकर पढ़ाई करने वालों में 63% लड़कियाँ। तो जीविका दीदी भी देख लीजिए लाइब्रेरी में आती है पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी में देख लीजिए। तो लाइब्रेरी रहेगा उसके बाद ही ना पढ़ने के लिए आएंगे। तो यही अपडेट निकल के आ रही है। बार बार वीडियो इसलिए बना रहे हैं, अर्सी बना रहे हैं ताकि बहुत सारा स्टूडेंट बिलिश और एमलिश करके भूल गया है कि बिहार में बिहार लाइब्रेरी की बहाली भी आने वाली है। आप लोग जब तक रेडी नहीं होइएगा, आप लोग आंदोलन नहीं कीजिएगा, धरना प्रदर्शन नहीं कीजिएगा तो ऐसा ही होता है। फिर भी हम सभी स्टूडेंट के ध्यान आकर्षित अपने ओर करते हैं जो बिहार में बिहार लाइब्रेरी की बहाली भी आने वाली है। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट को जोर शोर से इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए और एक दिन हम लोग ट्विटर कैंपेन रखेंगे, जिस दिन ट्विटर कैंपेन हम लोग करवाएंगे बिहार लाइब्रेरी के सभी स्टूडेंट को। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच, ताकि सभी स्टूडेंट एकजुट होंगे। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के लिंक दे दिए, व्हाट्सएप चैनल के लिंक दे दिए, सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। और उसके बाद 22 नवंबर के देख लेते हैं, फाइनल नियमावली पर मोहर लग जाता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लगता है तो उसके बाद हम लोग आगे की क्या रणनीति रहेगा उसके बारे में फिर हम लोग वीडियो बना के आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू।